नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं सार न्यूज। मैं रिजवी, मैं अभी मौजूद हूँ बिहार शरीफ नगर निगम में, जो कि नगर निगम का चुनाव सर पर है। सभी लोग अपने अपने तरह से तैयारी में लग चुके। उसी नगर निगम बिहार शरीफ की तैयारी का जायजा लेने के लिए मेरी टीम पहुंच चुकी है बिहार शरीफ के कागजी मोहल्ला में, और यहाँ पे मैं वार्ड 17 में हूँ। नुजहत रहमान साहब के जो है पति, उनसे बात करना चाहेंगे कि अभी तक जो उनके कार्यकाल में क्या क्या सेवा हुआ, क्या क्या गरीबों तक आपने जमीनी स्तर पे काम पहुंचाया है, जो सरकार की योजनाएं हैं कैसे लोगों तक पहुंचा, और क्या अधूरा रह गया है कि अगर इस बार आपको जनता जनार्दन जिता देती है तो सबसे पहला काम क्या कीजिएगा, उनसे ही जानते हैं, उनसे परिचय लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत, थोड़ा सा परिचय दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद अतीकुर रहमान है, मेरे वार्ड परिषद का पति हूँ, प्रतिनिधि प्रतिनिधि भी करता हूँ और पति भी हूँ। इसके पहले भी मैं वार्ड परिषद रह चुका हूँ, अभी पूर्व वार्ड परिषद भी है। तो अगर इस बार तो मौका नहीं मिला हम लोग को, 5 साल का टर्म रहता है, 3 साल ही काम करने का मौका मिला। कोरोना काल में 2 साल चला गया, फंड तंड जितना सब सब लैप्स कर गया, और अब तो मिलेगा टाइम, तो जितना भी बचा खुचा गली टली है सबको करवाया जाएगा। और हम ऐसे तो पानी का पाइप वो बिछवा दिया है, उसके बाद बिजली का सिस्टम भी ठीक करा दिया है, हर पोल पर दिखेगा लाइट आपको मिलेगा। एक जगह उधर सबसे बड़ी समस्या आपको क्या, आपके वार्ड में लगा सबसे समस्या जो अभी तक बचा हुआ है वो कौन सा समस्या जो आप दूर करना चाहिएगा? सबसे पहला समस्या हमारा दूर करने का ये रास्ता है, ये गली जो है, देखा जो आए होंगे आप, उतना ये गली बहुत बढ़िया गली था। हम पहले वार्ड परिषद जब थे तो वहाँ सोलिंग करवाया था, चूंकि पहले तो वार्ड नहीं था, नगर पालिका था। नगर पालिका में तो फंड वंड तो आता नहीं था, बहुत कभी के बराबर होता था। जनता जनार्दन जिता देती है, कुर्सी पर बैठा देती है इस बार, तो कैसे इस जो आपके पास जो बचा हुआ योजनाएं, जो आपके वार्ड में जो अधूरा काम है, सबसे पहला काम क्या कीजिए? सबसे पहला काम तो इसी करेंगे, नाला वाला, नाला और रोड का जो है, और फिर सेकंड प्रायोरिटी दूसरा रहेगा, तीसरा रहेगा। काम का एंड थोड़ी होता है, तो इसलिए वो सब के लिए कोई टेंशन, अगर मौका आवाम में दिया यहाँ के तो सारा कठिनाई दूर करा देंगे। पर एक चीज और पूछना चाहेंगे, इस बार मेयर का चुनाव आम लोगों के वोटिंग से हो रहा है, ये जो बना है आपको कैसा लगता है, ये वार्ड पार्षदों के लिए अच्छा सुझाव आया सरकार का या वार्ड पार्षद को इससे नुकसान होगा? नहीं नहीं, अच्छा है। पहले तो मान लीजिए मेरा एक फंड रहता था, अब तो मेयर डिप्टी मेयर के फंड को भी लड़के लेंगे कि हमारे वार्ड में भी दीजिए अब, लेकिन ऐसा उम्मीद है कि होने नहीं जा रहा। अब विकास की पटरी तेजी से बढ़ेगी बढ़ेगी चाहेंगे कि आप पे मेरे कार्यकाल को देखते हुए हमने 3 वादा किया था पब्लिक से चुनाव में, कि बिजली, पानी और रोड, ये 3 चीज हम बनावेंगे, और 3 चीज हमने कर दिया है, कहीं कहीं अधूरा लग रहा तो टाइम नहीं मिला, 2 साल तो मेरा लैप्स कर।